morning students. Today we are going to start the third chapter of The Little God. This chapter is written by Catherine Mansfield. As we all know, see first about the author, Catherine Mansfield. She was born on 14th October 1888 and death 9th January 1923, was a prominent New Zealand and modernist story writer. She was born and brought up in colonial New Zealand. She wrote under the pen name Catherine Mansfield. ये हम लोगों ने अपने चैप्टर में डिस्कस किया था. इनका नाम पहले था कैथलीन, एल था, अब आर है, तो ये नाम उन्होंने अपना चेंज किया है. इस चैप्टर का जो थीम है, द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैंसफील्ड, वी हैव थीम ऑफ फियर, कंट्रोल, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड चेंज. ये सारा थीम है. डर होता है, कंट्रोल है, कभी कभी फ्रीडम भी आ रहा है मन में, इंडिपेंडेंस आ रहा है. तो ये सारी चीज़ें को हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर का थीम है. चलिए हम लोग समरी पे चलते हैं, समरी पढ़ते हैं. टेकन फ्रॉम समथिंग चाइल्डिश एंड अदर स्टोरीज कलेक्शन, द स्टोरी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन बाय एन अननेम्ड नरेटर. मतलब ये स्टोरी जो है थर्ड नरेटर द्वारा नरेट किया गया है, मतलब कोई तीसरा आदमी बता रहा है हमें. ओके, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइज दैट मैंसफील्ड मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कंट्रोल. अब इसमें बताया जा रहा है कैसे कैथरीन मैंसफील्ड ने कंट्रोल थीम को एक्सप्लोर किया है. There is a sense that Kezia, her mother and the servants in the house appear to be responsibility of her father. ठीक, मतलब इसमें बताया गया है Kezia की मम्मी और जो servants हैं वो सारे लोगों का responsibility father का क्या है वो दिखाया गया है, सुनाया गया है, कहानी है. ओके, ही कंट्रोल्स एवरी इंडिविजुअल, मतलब हर कोई को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो Kezia के फादर. ईच इंडिविजुअल मेंशनड इन द हाउस विद द एक्सेप्शन ऑफ Kezia's फादर इज फीमेल. और सारे लोग सिर्फ Kezia के फादर को छोड़कर सारे फीमेल हैं. It is possible that Mansfield is attempting to highlight the control that the male exerts over the female at the time of story was written. मतलब कि ये स्टोरी जब लिखा गया था उस समय हो सकता है मेल का जो रोल था हमारे सोसाइटी में वो अभी भी है, पहले भी था. तो इस बात को जैसे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है ना, आप लोगों ने SST में पढ़ा होगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ऐसा सोसाइटी जिसमें मेल डोमिनेशन होता है, मेल डोमिनेटेड, हर डिसीजन जो है मेल ही लेगा, तो ऐसे सोसाइटी को कहते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी. तो वही है इसमें भी. दिस एटीट्यूड ऑफ हर फादर इज हाउएवर प्रोवोकिंग टू बी वेरी डिटरमेंटल to Kezia's relationship with her father. और ये attitude जो है father का, जिसके कारण Kezia जो है बहुत ही उदास है कहेंगे, ठीक relation नहीं है उसका
या फिर वो हकलाने लगती है, डर होता है उसको, ये सारी बातें। द शी शटर्स वेन शी टॉक टू हिम एज इफ शी इज़ इन फियर ऑफ हिम। जब वो उनसे बात करती है तो उसके आवाज़ में हकलाने की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि वो उससे डर रही है। दिस माइट सजेस्ट दैट रादर देन हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप और अ क्लोज बॉन्ड विद हर फादर, सी लिव्स इन फियर अनश्योर ऑफ हाउ ही माइट ट्रीट हर। मतलब प्यार से रहने के बजाय, खुशी से रहने के बजाय, वो डर में अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है, और ये उसको मन में होता है कि कब क्या हो जाएगा, कैसे उसके फादर ट्रीट करेंगे, ये नहीं पता है। दैट्स वाई दो द रीडर डजंट नो केजियाज एज। केजिया का एज नहीं जानते हैं रीडर, बताने वाले जो हैं। इट कैन बी एज्यूम्ड फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्टोरी दैट शी इज़ स्टिल वेरी स्मॉल गर्ल। वन वुड एक्सपेक्ट हर टू लीव हर लाइफ विद एन एलिमेंट ऑफ फ्रीडम ड्यू टू द फैक्ट दैट सी वॉज चाइल्ड। मतलब कोई भी कह सकता है उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, क्यों? तो क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है। दिस वॉज नॉट द केस। एज सुन एज हर फादर अराइव्स होम शी हैज़ ड्यूटीज टू फुलफिल जस्ट लाइक हर मदर एंड सर्वेंट्स इन द हाउस। सर्वेंट्स हैं या मदर है तो उसी के तरह उसको भी ड्यूटी पूरा करना होता है, बूट्स निकालने होते हैं एंड सो ऑन। ऑल द टाइम हर फादर्स नीड्स वर द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड नन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स इन द स्टोरी हैड द फ्रीडम टू लीव देयर लाइफ। और इस स्टोरी में जो भी फीमेल हैं उसको फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है। थ्रू आउट द स्टोरी ही एग्जर्ट्स कंट्रोल एंड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। और ये बात सारा कैरेक्टर जो है स्टोरी का वो एक्सेप्ट करता है। देर आर इंसिडेंट इन द स्टोरी विच मे बी इम्पॉर्टेंट। हाँ, स्टोरी में कुछ घटनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एवर सिंस केजिया वॉज हिट विद द रूलर बाय हर फादर, मतलब उसके फादर जो है केजिया को हिट करते हैं रूलर से। शी किप्स हर हैंड्स हिडन बिहाइंड हर बैक इन फियर वेन एवर ही शी सीज हिम। उसके बाद जब भी वो अपने फादर को देखती है तो अपने हाथ पीछे छुपा लेती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैकडोनल्ड टू द स्टोरी मे ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैकडोनल्ड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्टोरी में। मैंसफील्ड अपीयर्स टू डेलिबरेटली सिचुएट देम इन अ गार्डन विथ सजेस्ट एंड इडियलिक एनवायरमेंट इन कंपैरिजन टू केजियर्स हु इज़ ऑलवेज केप्ट इन कन्फाइनमेंट। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट मैंसफील्ड सजेस्टिंग। अच्छा, इसमें बताया गया है कि मैंसफील्ड का जो रोल दिया हुआ है, सॉरी मैकडोनल्ड का, कि वो गार्डन में है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो इससे केजिया पे क्या असर हुआ है ये भी दिखाने के लिए ऑथर ने हमें बताया है कि वो कितनी हैप्पी फैमिली है, कैसे वो अपने बच्चों के साथ खेल रही है और एक हमारे पापा है। सो देर इज़ कंपैरिजन, ये कंपेयर करने के लिए ऑथर ने हमें ऐसा उकसाया, प्रोवोक किया है। फादर विल बी क्लोजर टू हिज चिल्ड्रेन व्हेन ही अडॉप्ट्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद देम एंड एज अ रिजल्ट द चिल्ड्रेन विल बी हैप्पियर। और रिजल्ट होगा कि बच्चे बहुत ही खुश होंगे। एनवायरमेंटली केजियाज फादर इज क्लोज टू हर। इन द चैप्टर
चैप्टर में है क्लोज, या घर में वो केजिया के फादर जो है केजिया से क्लोज हैं, बट डज नॉट प्ले विथ हिज डॉटर, लेकिन वो केजिया के साथ खेलते नहीं हैं। ही ट्रीट्स हर एज ही ट्रीट्स हिज वाइफ एंड सर्वेंट्स। केजिया एज प्रीवियसली मेंशन्ड इज एट हिज बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल, जब भी बुलाया गया फटाफट दौड़ते हुए आगे। एंड देयर फॉर डजंट हैव द टाइम टू बी अ चाइल्ड। ओके, द एंड ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एज मैंसफील्ड अपीयर्स टू बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कंपैशन एंड चेंज। जैसा कि इस स्टोरी का थीम ही है कंपैशन और चेंज, तो लास्ट में जो एंड किया है स्टोरी को वो भी इंटरेस्टिंग है। व्हेन केजिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप, हर फादर रादर देन स्कॉल्डिंग हर अलाउज हर टू स्लीप इन हिज बेड विद हिम। देख रहे हैं, लास्ट में उसके फादर उसको डांटते नहीं हैं बल्कि अपने साथ उसको अपने बेड पे सुलाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टोरी ही इज़ अलाउइंग केजियाज फीलिंग टू टेक प्रिसिडेंस। ही इज़ पुटिंग हिज चाइल्ड फर्स्ट। द फैक्ट दैट केजिया इज ऑल्सो अलाउड टू रब हर फीट अगेंस्ट हर फादर्स लेग मे ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट एज इट सजेस्ट दैट केजियाज फादर अंडरस्टैंड हिज डॉटर। मतलब अपने बच्चे को केजिया के पापा समझते हैं, ये बात पता चलती है हमें। ही इज़ कनेक्टिंग विद हर। हाउ इम्पोर्टेंट दिस कनेक्शन इज टू केजिया इज नोटिशिएबल बाय द फैक्ट दैट शी बिगन टू फॉरगिव हर फादर फॉर हिज प्रीवियस एक्शंस एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन दैट द एंगर ही हैड शोन टुवर्ड हर वॉज अ रिजल्ट ऑफ हिम हैविंग हैड टू वॉक सो हार्ड। अब ये भी वो बात समझ जाती है कि प्रीवियसली पापा ने हमें जो डांटा था तो उसके पीछे भी एक रीज़न था कि वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं इसलिए थके हुए थे। ओके, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट मैन्सफील्ड एंड्स द स्टोरी विद द लाइन व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। ये लाइन कह के उन्होंने एंड किया है। मैन्सफील्ड इज सजेस्टिंग दैट द केजियाज फादर डिड नॉट डिस्प्ले हिज लव टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। केजिया के जो फादर हैं वो अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते हैं एंड तक। ही डज हैव द कैपेसिटी टू लव हिज डॉटर लाइक मिस्टर डोनाल्ड। मिस्टर डोनाल्ड के तरह वो भी कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेदर द लव इज़ कंटिन्यूस एज मैन्सफील्ड एंड्स द स्टोरी विदाउट द रीडर नोइंग द रिस्पॉन्स ऑफ केजियाज फादर टू हिज डॉटर। मतलब केजिया के फादर का क्या रिस्पॉन्स है उसके बेटी के तरफ, ये बताया नहीं गया है हमें, इसलिए हमें इस बीच में ही छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से इस स्टोरी को एंड किया गया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और कमेंट करेंगे तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट देयर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।